हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है मीडियन इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सो इन द प्रीवियस टॉपिक वी हैव डन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सो वी हैव कंस्ट्रक्टेड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड वी हैव ड्रॉन इन दैट मीडियंस ऑल्सो। सो इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच दैट, सो यू कैन सी दैट प्रीवियस वीडियो रिगार्डिंग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, आज हम पढ़ेंगे मीडियंस इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो सबसे पहले मीडियन कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें राइट एंगल ड्रॉ करना होगा। तो राइट एंगल ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले तो बेस बनाना होगा ट्रायंगल का। बेस आप कोई भी सेंटीमीटर का ले सकते हो, किसी भी सेंटीमीटर का। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपका बेस ऑलवेज कोई भी परफेक्ट सेंटीमीटर का हो, आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है 5 सेंटीमीटर का मेरा बेस है, आप कितने भी सेंटीमीटर का ले सकते हो, ठीक है। और फिर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है तो मुझे 90 डिग्री का ही मेजरमेंट लेना होगा। सो दैट आपको प्रोटेक्टर यूज़ करना होगा। प्रोटेक्टर यूज़ करोगे आप, मेजर करोगे 90 डिग्री और फिर उसके बाद आप एक लाइन ड्रॉ करोगे फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड लाइन आप जॉइंट कर सकते हो ऐसे ही आपकी फर्स्ट लाइन से, ठीक है। और यहाँ पर आप नेम दे दो इसको ए बी और सी। तो आपके पास ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब इस ट्रायंगल का आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे भी मीडियन फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। आप ये सोचोगे कि मैंने ये स्केल लिया था 5 सेंटीमीटर का तो मैं 2.5 यहाँ पर निकाल दूंगा, फिर यहाँ से मैं इसका हाफ निकाल दूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रॉपर मेजरमेंट से ही फाइंड आउट करना होगा मीडियन। उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी कंपास की। ये कंपास है, आपको इसी की हेल्प से ऑलवेज मीडियन कंस्ट्रक्ट करना है। मीडियन मींस सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पर मेरे पास थ्री साइड है। फर्स्ट साइड है ए बी, सेकेंड साइड है बी सी और थर्ड साइड है मेरे पास सी ए या ए सी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मीडियन कंस्ट्रक्शन के लिए। तो सबसे पहले आपको कंपास लेना है। कंपास पे आपको मेटल पॉइंट कंपास का आपको जो मेजरमेंट ले रहे हो, जो साइड को आप फील कर रहे हो कि मुझे यहाँ से मीडियन स्टार्ट करना है, तो आपको मेटल पॉइंट वहाँ पर ही प्लेस करना है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है साइड ए बी, ठीक है। तो ये ए बी का मुझे मीडियन निकालना है। सो मैं हमारा फर्स्ट मैं मेटल पॉइंट रखूँगी ए पर, ठीक है। और मैं इसका मोर देन हाफ, यहाँ पर हाफ आएगा एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं यहाँ से मोर देन हाफ निकालूँगी इसका, ठीक है। मोर देन हाफ निकाला मैंने। अब मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, मुझे इसी से लगकर एक आर्क बनाना है बिलो। देखो ऐसे अच्छे से बिलो एक आर्क बनाऊँगी मैं और सेम उसी डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है मुझे डिस्टेंस, और अबाव एक आर्क बनाना है, ठीक है। उसके बाद में मैं बी पे रखूँगी, सेम जो मैंने प्रीवियस आर्क अभी बनाया मैं उसको कट कर रही हूँ, ठीक है। बिलो और अबाव कट किया, देखो अच्छे से आप लोग। यहाँ पर है मेरा कंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियन का आर्क, अभी फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। आर्क बना दिया है मैंने बिलो एंड अबाव, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ। सो लाइन मैंने लिया है यहाँ पर, आर्क जहाँ पर भी मिल रहे हैं दोनों भी आर्क, वहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, और एरो मार्क लगाओगे। आपको एरो मार्क बराबर से प्लेस करना है, एरो मार्क की प्लेसिंग बराबर होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद में मैं लूँगी सेकेंड पॉइंट। अभी यहाँ पर मैंने देखा कि मेरा सेंटर आ रहा है या नहीं बराबर, आपको क्रॉस चेक करना है। तो मैंने लिया है एक इंस्ट्रूमेंट जो था मेरा कंपास। अब मेरा सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है डिवाइडर, ये देखो, जिसमें दोनों साइड में मेटल पॉइंट होगा, ये है मेरा डिवाइडर, ठीक है। राउंडर का ब्रदर है डिवाइडर। तो मैं रखूँगी ए पे और मैंने जो अभी निकाला है लाइन उसको मैं टच करूँगी ऐसे, आपको रखना है ऐसे बराबर से। उसके बाद में आपको सेम डिस्टेंस को चेक करना है कि ये बराबर आ रहा है या नहीं। तो देखो यहाँ पर मेरा डिस्टेंस था ए पे उस लाइन तक, उसके बाद मैं इसको ऐसे चेक करूँगी, यस तो इट इज़ कमिंग करेक्ट। देन मुझे अभी बनाना है नेक्स्ट
सी और बी का लेंथ, सी और बी का मुझे साइड का मीडियन निकालना है। तो मैं वापस से करूँगी, मोर देन हाफ बी पे रखा मैंने, एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आ रहा है हाफ, तो मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूँगी। मोर देन हाफ लेना है आपको, मोर देन हाफ के बाद में आपको करना है आर्क बनाना है। यहाँ पर एक आर्क बनाया आपने, ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर एक आर्क बनाना है। दोनों साइड कर दिया आपने, एक यहाँ बनाया है और एक यहाँ बनाया है। सेम उसी डिस्टेंस से आपको सी पे रखना है। देखो आपने सी पे रखा, ये देखो आप लोगों ने सी पे रखा है मैंने मेटल पॉइंट, और फिर मैं उसी आर्क को वापस से कट करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर भी कट किया और मैंने यहाँ पर भी कट किया, ठीक है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। इसके बाद में फिर से इसका आर्क का जो कॉन्करेंस है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, आपको उसको डॉट करना है, उसके बाद में आपको उसको मिला देना है। ओके, यहाँ से मैंने एरो मार्क लिया यहाँ तक, उसके बाद में आपको उसको एरो दे देना है। अब यहाँ पर मेरा आया है सेंटर पॉइंट ऑफ दिस साइड बी सी। अब वापस से चेक करूँगी मैं, तो मैंने लिया डिवाइडर और ये यहाँ तक इस पॉइंट तक रखा डिवाइडर को, उसके बाद में मैंने इसको चेक किया, यस बोथ आर कमिंग करेक्ट, कैन यू सी दिस, यानी कि माय डायग्राम इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेप फॉर थर्ड साइड, थर्ड साइड इज़ माय ए सी, ए सी इज़ माय थर्ड साइड, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी निकालना है मुझे। तो अगेन मेरा सेम मेथड है, आपका मेथड चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ तक एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हाफ आ रहा है, मोर देन हाफ ले लो, मोर देन हाफ लिया, यहाँ पर एक आर्क कट करो आप, फिर यहाँ पर एक आर्क कट करो, आर्क की कटिंग ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको सी पे रखना है और सेम आर्क को कट करना है जो आपने प्रीवियस आर्क बनाया। अब यहाँ पर आया था मेरा आर्क, तो मैंने यहाँ पर कट किया, ठीक है, अपोजिट अपोजिट में ही होगा ऑलवेज। उसके बाद पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस निकालो आप, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लगाने से क्या होगा ना, जब आप स्केल रखोगे तो वो ईजीली आपको लोकेट हो जाएगा, है ना, अदरवाइज़ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे यार वो पॉइंट किधर चला गया। तो इसीलिए ये बात ध्यान में रखो कि आपको पॉइंट लगा देना पहले ही, ठीक है। उसके बाद में आपको करना है लाइन जॉइंट, एरो मार्क लगा दो दोनों साइड, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा एक लाइन इधर था, एक लाइन इधर था, एक लाइन इधर था, यहाँ पर तीनों भी मिल रहे, तो मेरा ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। आप इसको कोई भी नेम दे सकते हो, एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिया इसको नेम एक्स। अब तो ये मेरा सिर्फ मीडियन फाइंड आउट हुआ है ना स्टूडेंट, ये देखो मीडियन है अभी यहाँ पर इसका, इसका भी देख लेते हैं डिवाइडर, डिवाइडर की हेल्प से देखेंगे। यहाँ पर रखा मैंने डिवाइडर, यहाँ पर चेक किया, ये इतना है और ये इतना है, यानी कि दोनों भी साइड बराबर आई है, ठीक है। उसके बाद में आप मुझे यहाँ से मुझे निकालना है मीडियन। मीडियन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपने लाइन्स अभी ड्रॉ किए ना, तो वो लाइन्स जो साइड हो रही है आपकी, यानी कि ए बी साइड है, बी सी साइड है और ए सी, तो इस साइड को वो लाइन जहाँ पर टच कर रही है वहाँ पर आपका बनेगा मीडियन। तो देखो यहाँ पर मैंने डॉट लगाया है, एक है हमारा साइड ए बी पे मीडियन मिला है, एक है हमारा साइड बी सी पे मीडियन मिला है, ठीक है, यहाँ पर जो सारे पॉइंट्स वहीं पर ही आके मिल रहे हैं उस साइड, और एक है मेरा सी ए पर मीडियन, ठीक है। अब मुझे मीडियन निकालना है वर्टेक्स सी का, सी का अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी, ऑलवेज मीडियन आएगा वर्टेक्स का अपोजिट साइड। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगी, एक लाइन नहीं बोलेंगे हम लोग उसको, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड में डॉट है और मुझे उसको ज्वाइंट करना है, बस दैट्स इट। लाइन मतलब दोनों साइड एरो मार्क होता है, सेगमेंट मतलब दोनों साइड डॉट होता है। तो ये डॉट से मैंने इस डॉट को ज्वाइंट कर दिया, ये मेरा मीडियन निकला पॉइंट सी का, वर्टेक्स सी का। अब मैं बना रही हूँ बी के लिए मीडियन, तो मेरा बी है यहाँ पर बी पॉइंट, इसका अपोजिट साइड है ए सी, ठीक है, तो ए सी अपोजिट साइड है, तो वहाँ से मैंने एक मीडियन बना दिया। तो यहाँ रखा मैंने मेरा स्केल और दोनों भी
डॉट्स को मैंने जॉइंट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मेरा थर्ड पॉइंट है ए, तो ए का वर्टेक्स है, ए का अपोजिट साइड है सी बी, तो यहाँ से मैं एक लाइन ले लूँगी अभी, ये देखो यहाँ पर मैंने सब पेन से बनाया इसलिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन आप स्टेप्स को ध्यान में रखो। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो मेरा है, अभी मैं इसको है ना थोड़ा सा शेडिंग एरिया कर देती हूँ तो आपको पता चलेगा, ये वाला जो पार्ट है ये मेरा है मीडियन नंबर वन, ये है मेरा मीडियन नंबर टू, ठीक है। और मेरा जो थर्ड वाला अभी निकला था वो है ये वाला एरिया, मेरा मीडियन नंबर थ्री। तो आप देखो ये वाला लाइन और ये लाइन और ये दोनों तीनों लाइन सेगमेंट यहाँ पर मीट कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको जूम करके थोड़ा सा देख सकते हो, यहाँ पर मीट कर रही है, तीनों भी कहाँ पर मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये है मेरा पॉइंट ऑफ सेंटोरॉइड, इसको मैं कोई भी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकती हूँ। तो एस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे डिनोट करती हूँ अल्फ़ाबेट वाई, ठीक है। तो ये है मेरा पॉइंट ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का मतलब होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल द मीडियंस, तो मैंने यहाँ पर इसको नेम दे दिया है पॉइंट ऑफ सेंट्रोइड। ओके, पॉइंट ऑफ सेंट्रोइड, ठीक है। ये देखो ऐसे देखो, ओके। तो दिखा आपको हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियन इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन है आपका। अभी ये एंड नहीं है यहाँ पर, आपको यहाँ पर हाफ मार्क्स कट सकता है बिकॉज ऑफ आपने वर्टेक्स के नेम नहीं दिए। एज फॉर एग्जाम्पल आपने वर्टाइजेस तो दे दिया ए बी सी, लेकिन मीडियन किधर है, आपको मीडियन किधर मिला। तो उसके लिए आप कोई भी अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर सकते हो। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरा मीडियन आ रहा है तो मैंने एल दे दिया, यहाँ पर मेरा एक मीडियन आ रहा है जिसको मैंने एम नेम दे दिया, ठीक है। यहाँ पर एक मेरा मीडियन आ रहा है जिसको मैंने एन नेम दे दिया, तो एल एम एन हो गया, ए बी सी हो गया, एक्स वाई हो गया। तो ये सारे आपके वर्ड पॉइंट्स है जो आपको शो करना है वाइल यू आर कंस्ट्रक्टिंग मीडियंस इन अ ट्राइंगल। और आज हमने कंस्ट्रक्ट किया है राइट एंगल ट्राइंगल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको अच्छे से वापस देखना है तो आप बैक करो प्रीवियसली, प्रीवियस वीडियो पर जाओ, बैकवर्ड जाओ और फिर वापस से अच्छे से इसको फाइंड आउट करो कि आपने कहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं की है, और वापस से आप कंस्ट्रक्ट कर देख सकते हो। आपको कंस्ट्रक्ट करना है अगर विथ मी तो आप मेरे वीडियो को पॉज कर सकते हो और फिर कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अब हम ये कंस्ट्रक्शन के बाद में हमारा प्रीवियस वीडियो में हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया था मीडियन, अब यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया है आज हमने। अब इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन करना बताऊंगी मीडियन का।